हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज समझने वाले काउंटिंग सेमाफोर को। इससे पहले वाले वीडियो में भाई सेमाफोर को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था, आसान शब्दों में उसके जो टाइप है बाइनरी सेमाफोर उसको भी एग्जांपल के साथ समझ लिया था। आज बारी आती है समझने की काउंटिंग सेमाफोर को। इसको एक बढ़िया सरल एग्जांपल के साथ मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फर्क क्या है आखिर ये बाइनरी और काउंटिंग सेमाफोर में। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाइनरी में जैसे आपको पता है कि जो सेमाफोर वेरिएबल है वो सिर्फ दो वैल्यूज होल्ड कर सकता था, दो वैल्यूज के साथ खेलता था वो, एक तो जीरो या वन, एक तो जीरो या वन, एक तो जीरो या वन। लेकिन ये जो है उसकी दूर की सोच है। काउंटिंग सेमाफोर की जो सोच है वो जीरो वन में नहीं अटकी हुई है, वो थोड़ा लंबा सोचता, थोड़ा अलग सोचता है। यहां पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, समझ लो आपके जो भी सिस्टम है, सिस्टम में आपके पास प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? एक रिसोर्स है, बराबर। अब कितने प्रिंटर है? 5 प्रिंटर है मान लो, चलो लेट्स कंसीडर 5 प्रिंटर है। तो ये जो रिसोर्स है आपका एज अ प्रिंटर, उसके आप कह सकते हो 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल है, आप कह सकते हो 5 यूनिट्स अवेलेबल है, आप कह सकते हो 5 रेप्लिकास अवेलेबल है, जो कहना है कह सकते हो। वो सिंपली आपकी इनिशियली एस की वैल्यू बन जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। समझ में आ गया? यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं, एक रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर है, अब उसके इंस्टेंसेस कह लो, यूनिट्स कह लो, रेप्लिकास कह लो, उस रिस्पेक्टिव इंस्टेंस उस रिसोर्स के, वो आपकी सिंपली एस की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि इस प्रकार हमारे सिस्टम में 5 प्रिंटर है तो हमने एस की वैल्यू क्या कंसिडर कर ली? 5 कंसिडर कर ली, बराबर। तो यहां पे भी बहुत सारे प्रोसेसेस आएंगे रिसोर्स के पीछे। तो यहां मेरा क्या है, सिंपली क्रिटिकल सेक्शन है, दिस इज माई क्रिटिकल सेक्शन, बराबर। और इनिशियली एस की वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ पे 0-1 के साथ सिर्फ नहीं खेल रहे, यहाँ पे हम लोग रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली 5 है। अब समझ लो एक प्रोसेस आता है, P1 प्रोसेस आता है। अब वो क्या करना चाहता है? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करना चाहता है। लेकिन भाई साहब, बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन क्या करना पड़ता है? यहाँ पे ऊपर होता है एंट्री का सेक्शन होता है और नीचे उसका एग्जिट का सेक्शन होता है, बराबर। दैट इज एंट्री कोड और एग्जिट कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। अब ये एंट्री कोड क्या होता है? इट इज नथिंग बट योर पी ऑपरेशन। एंट्री कोड क्या होता है आपका? वो जो पी ऑपरेशन है जो हमने पिछले वीडियो में देखा। और एग्जिट कोड क्या होता है आपका? वी ऑपरेशन, सिंपल एज दैट, ठीक है। यानी डाउन एंड अप, दिस इज डाउन एंड अप, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन एक्चुअल में काउंटिंग सेमाफोर में इन ऑपरेशंस में हो क्या रहा है, कैसे वो एस की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, उसे जरा भी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो जब मेरा यहां पे P1 आता है, एंटर करने की कोशिश करता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ता है? एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब अकॉर्डिंग टू द वर्किंग फ्लो ऑफ एंट्री कोड, सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है? सबसे पहली चीज जो है, एक तरीके से आप देख सकते हो कि अभी P1 यहां पे अंदर आ रहा है तो आपकी जो S की वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है और वो 4 हो जाती है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ठीक है। तो वो क्या होगी वैल्यू आपकी? सिंपली डिक्रीमेंट हो गई। और जैसे ही आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है, ये P1 आपका यहां पे बैठ जाता है क्रिटिकल सेक्शन में। एक सिंपल बिहेवियर में आपको जो है काउंटिंग सेमाफोर का वो इलस्ट्रेट करके यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है। अब P1 तो चलो चला गया, ठीक है। अब P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, अब आता है अगला एक प्रोसेस, P2 आ जाता है। अब P2 बोल रहा है मेरे को भी जाना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन टू द क्रिटिकल सेक्शन। तो उसको भी एज ऑब्वियस जो ये एंट्री सेक्शन है, एंट्री कोड है, वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंट्री कोड मतलब आपका पी ऑपरेशन है, डाउन ऑपरेशन। उसमें क्या होता है, जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, यहां पे जो आपकी करंट एस की वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है फिर एक और बार, बराबर। फिर ये P2 क्या आपका क्रिटिकल सेक्शन में चले जाता है, यहां चला गया P2 इसके अंदर, भाई साहब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब P2 भी चला गया, अब क्या हुआ, वापस एक और आ गया, P3 आ गया। अब P3 का भी वही उद्देश्य है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, उसे भी एंट्री कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पी डाउन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, यहां पे बिफोर एंट्रिंग एस की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा। जो उसकी करंट एस की वैल्यू थी जो 3 थी, उसे डिक्रीमेंट कर दिया और आपका जो P3 है वो अंदर चला गया, सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है यहां तक बात, ठीक है। अब क्या होता है, P4 आ गया, रुक ही नहीं रहा यार, आ रहा है एक के बाद आ रहा है, ठीक है। अब P4 आ गया, अब P4 को भी सेम प्रोसीजर है, वो कोई VIP बंदा तो है नहीं, उसको भी वही एंट्री कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पी डाउन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जो करंट वैल्यू है इसकी उसे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, कर दिया उसने, ओके। अब P4 भाई साहब भी आ गए अंदर क्रिटिकल सेक्शन में, अब यहां पे P5 भी आ गया, अभी हद हो गई यार, अब मतलब P5 भी आ गया। अब P5 भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता है और 1 की वैल्यू डिक्रीमेंट करता है 0 को, यहां से शुरू होता है खेल। अब ये P5 आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, बराबर है, समझ में आ गया। ये है आधी कहानी। अब इसकी बाकी की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, अब आता है P6। ये लेके आ गया P6 बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्यों? जैसे कि अभी आप देखोगे कि जो P है वो जैसे एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करता है,
जीरो दिख रही करंट वैल्यू है इसकी, इसे वो डिक्रीमेंट करेगा और माइनस वन करेगा, करेक्ट, माइनस वन करेगा। नाउ रिमेंबर, जब भी आपकी रिस्पेक्टिव एस की वैल्यू जीरो के नीचे चली जाती है, यानी कि इट इज लेस देन जीरो, जब वो आपकी एस की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है, तो एक चीज याद रखना कि जिस प्रोसेस ने उस वैल्यू को यहां पे नेगेटिव में किया है, जैसे कि अभी इस केस में P6 ने किया है, आप सीधा P6 को बोलते हो भाई इधर आ, साइड में आ, साइड में आ, साइड में आ, जरा साइड में आ, और P6 को आप एक ब्लॉक लिस्ट या फिर सस्पेंड लिस्ट, जो भी कहना चाहो वो कहो, दैट इज उसे एक ब्लॉक लिस्ट के अंदर बिठा दिया जाता है, यानी सिंपली उस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये मेरी ब्लॉक लिस्ट में यहां पे P6 आके बैठ चुका है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एस की वैल्यू जो है लेस देन जीरो हो जाती है आफ्टर डिक्रीमेंटिंग, ओके, जैसी वो, तो एंट्री कोड में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपकी एस की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट की जा रही है बाय वन, ठीक है। जैसे वो डिक्रीमेंट करते हैं उसके बाद एस की वैल्यू चेक की जाती है, क्या वो लेस देन जीरो है। इस केस में डिक्रीमेंट करने के बाद एस की वैल्यू जीरो, लेस देन जीरो एक्चुअल में है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, वो जो जिस रिस्पेक्टिव प्रोसेस ने उसको वैसा किया है, लेस देन जीरो किया है, उसे हम लोग सिंपली उठाते हैं और साइड में लेके आते हैं, बोलता है इधर आ भाई कोपचे में, तेरे को डालते हैं ब्लॉक लिस्ट में, उसको कर देते हैं ब्लॉक, ओके, बिकॉज जगह ही नहीं है, जितने इंस्टेंसेस थे वो सब ले जा चुके हैं, बराबर। अब यहां पे माइनस वन है, अब चलो एक और चीज करते हैं, थोड़ी मजेदार चीज करते हैं। यहां पे अभी हम लोग क्या करते हैं, सेवन को भी लेके आते हैं,